बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकालने और हाथ काटने वाले बयान पर बादली विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भूल गई है कि ये जनता है, सब जानती है भाजपा की नीति और नियत क्या है। साथ ही कहा कि डॉक्टर अरविंद शर्मा संसद हैं और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे बयान कोई सड़क छाप ही दे सकता है। वहीं मनीष ग्रोवर पर निशाना साधते हुए कहा कि मनीष ग्रोवर ने सदा ही समाज में जहर घोलने का काम किया है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। आज जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने रोहतक के अंदर एक बयान दिया और उसमें जिस प्रकार का जो बयान दिया, ये समाज के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए एक अच्छा नहीं है कि कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल दूंगा, उंगली दिखाएगा तो हाथ काट दूंगा। क्या एक सांसद है या एक सड़क छाप गुंडा है? ये एक बीजेपी के सांसद और बीजेपी की नीति और नियत ये दर्शाती है कि इनकी नीति और नियत क्या है। आज प्रदेश में और स्टेटों में जिस प्रकार से बीजेपी की गवर्नमेंट इलेक्शन हारी, उसे बौखला गए और मनीष ग्रोवर ने सदा ही भाईचारा खराब करने का काम किया, जहर घोलने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। आज उसी प्रकार से फिर इन दोनों ने जो बयान दिया रोहतक के अंदर, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और समाज में ऐसी बातें, एक जिम्मेदार पद पर बैठा सांसद, एक पूर्व मंत्री रहा है, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। और मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि शांति और भाईचारा बनाए रखें। ऐसे सड़क छाप जो लोग होते हैं जिनका काम भाई को भाई से लड़ाना होता है, वो ऐसे बयानबाजी करता है। आज दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम लेके कह रहे थे, आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आप अपनी नीति और नियत को साफ करें।